प्रतिमा लग रही है उसकी, लेकिन कुछ इंजीनियरों ने कमाल कर दिया, हो सकता कोई समाजवादी इंजीनियर रहा हो, वो गड़बड़ आ गई वो डिजाइन। अब सुनने में ये आ रहा है कि सरदार पटेल जी की मूर्ति जो बन रही है उसमें लिफ्ट अब आंखों तक नहीं जाएगी, केवल पेट तक जाएगी, और पेट फाड़ करके आपको देखना पड़ेगा। ये सच्चाई है, ये सच्चाई है। इसलिए आप लोगों का ध्यान हटाने के लिए कुछ और चीज भी आ गई, आप पता लग जान रहे होंगे आप। इसलिए बहुत सावधान रहना पड़ेगा। आपके हमारे मुद्दे वही रहे, किसान वाले, गरीबी वाले, बेरोजगारी वाले, और जिस तरह के हम लोगों ने सड़कें बनाना शुरू किया था यही व्यवस्था, बिजली वाली व्यवस्था। बिजली अभी तक एक यूनिट बनाने का प्लांट नहीं लगाया, बताइए आप, अगर लगाया हो तो बताएं, एक यूनिट प्लांट लगाया नहीं अभी तक, और बिजली देना चाहते हैं, न एक सबस्टेशन बनाया अभी तक। और हमें लगता है अगर आंकड़े और हिसाब किताब ठीक निकालेंगे तो ये जो रंगी बसें चल रही हैं, ये लोहिया बस सर्विस वाली ऑर्डर जो बस दी थी उन्हीं का रंग बदल दिया है इन्होंने, जो आपकी लोहिया बस थी याद कीजिए। ये इतने छोटे दिल के लोग हैं, हमारे गाजीपुर के लोग जानते होंगे, हम दूध वालों के लिए 3 बसें चला रहे थे, फ्री बसें चला रहे थे, जिससे वो अपने बाल्टे ले जाते थे गांव से, सुबह बस चलती थी 5-4 बजे और हर एक के गांव में होकर के निकलती थी, सब दूध वाले अपना बाल्टा रख लेते थे बस में और बनारस जाती थी, वो सब दूधिए लोग अपना व्यापार करते थे, दूध बेचते थे, वापस फिर बाल्टा रख करके उसी रास्ते से गांव छोड़ देती थी वो बस। वो बस रोक दी इन्होंने, वो बस चल रही थी, सोचिए वो रोक दी। जो इतने छोटे दिल के हों उनकी क्या उम्मीद कर सकते हैं उनसे। ये रंगा पुताली है वही लोहिया बस आपकी पुरानी वाली, कुछ बने ऑर्डर दी होंगी हम लोगों ने, इनका टेंडर तो निकला ही नहीं, कोई टेंडर निकला हो तो बताओ अखबार में, तो कहां से नई बसें आ गई हैं? ये जो हम लोग बनवा रहे थे तो ट्रांसपोर्ट का एक रंग होता है, पुती नहीं होंगी उस समय, हम लोग जल्दी चले गए सरकार से, उन्हीं बसों को इन्होंने रंगवा लिया और कहा कि ये नई बसें हो गई भगवा बस। कमाल के लोग हैं, कौन सा रंग दिया इन्होंने, कुछ इस तरह का दिया है। अब बताइए 108 एम्बुलेंस आप जानते हैं, 102 आप जानते हो, मुख्यमंत्री को फिर स्वीकार कर लिया कि पुलिस भ्रष्टाचार कर रही है, आज भी अखबार पढ़िए आप, आज अखबार पढ़ा कि नहीं पढ़ा आपने, यही निकला उसमें कि अब भी पुलिस पे वही चार्जेस लग रहे हैं, हम नहीं लगा रहे हैं, वही लगा रहे हैं, खुद ही लगा रहे हैं। इसलिए अन्याय भी इनकी सरकार में बढ़ा है। जो काम आप लोगों ने किए हैं वो कल्पना नहीं कर सकते। कल हम जयप्रकाश जी को याद किए थे, उनका उन्होंने आंदोलन बढ़ाया और उन्होंने न केवल एक नारा दे करके संपूर्ण क्रांति को, तमाम देश के समाजवादी सोच को रखने वाले नेताओं को एक मंच पर ला करके देश में राजनीतिक परिवर्तन करने का काम किया था। आज डॉक्टर रामलाल लोहिया जी को हम याद कर रहे हैं, इन्होंने तमाम सिद्धांत, ऐसे जो सामाजिक न्याय वाला जो सिद्धांत है उसमें भी हम लोगों को सावधान रहना पड़ेगा। और जब कभी छेड़खानी की बात आए तो हम लोगों को केवल इतना कहना है कि अगर आधार कार्ड बना हुआ है आज, जिस तरह हम मोबाइल पर नाम ढूंढने के लिए अगर कोई शब्द डालते हैं आपको उस शब्द के हिसाब से पूरे के पूरे नाम आ जाते हैं, इसी तरीके से अगर ये छेड़खानी करते हैं या किसी तरह की आरक्षण को इधर करने की कोशिश करते हैं, तो हम समाजवादी लोग कहना चाहेंगे कि सबको आबादी के हिसाब से हक दे दो, और अगर आपको गिनती करानी है तो आधार कार्ड सबका बना हुआ है, आप नाम डाल दीजिए या उस समाज के बारे में जो ढूंढना चाहते हैं वो डाल दो, पूरी की पूरी गिनती आपके सामने आ जाएगी। इसलिए आने वाले चुनाव में हमें लोगों को तैयारी करनी है 2019 में ही, 19 की ही तैयारी हो, 22 वाली